उन्नाव में आज चुनावी जनसभा करेंगे सीएम योगी। 2:45 पर रामलीला मैदान पहुंचने का प्रोटोकॉल, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उन्नाव के रामलीला मैदान में निकाय चुनाव से संबंधित जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में किसी प्रकार की कोई चूक न हो इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। बीती देर शाम उन्नाव एसपी ने ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों को साथ बैठक कर ब्रीफिंग के साथ दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री उन्नाव में 45 मिनट तक रहेंगे। उन्नाव में पहले चरण में 4 मई को निकाय चुनाव होना है। ऐसे में समय कम होने के साथ ही राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशियों को जीत हासिल कराने के लिए जोरों से लगी हैं। इसी क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ उन्नाव के भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में रामलीला मैदान में 2:45 पर पहुंचेंगे, जहां चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब 45 मिनट तक मंच पर मौजूद रहेंगे। 3:30 बजे वो लखनऊ को रवाना हो जाएंगे। सीएम के आगमन को लेकर जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीणा ने सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए हैं। पिछले 3 दिनों से अफसर लगातार तैयारियों में जुटे हुए थे। बीती देर शाम जनपद के साथ गैर जनपद से आए पुलिसकर्मियों को एसपी ने ब्रीफ किया है। सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि कहीं पर भी किसी भी प्रकार का इनपुट मिलता है तो तत्काल अफसरों को अवगत कराएंगे। रूट रहेगा डायवर्जन, शहर के बाहर होगी पार्किंग। बांगरमऊ, सफीपुर और रायबरेली की ओर से आने वाले भारी वाहनों को शहर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जबकि रैली में शामिल होने के लिए आ रहे लोगों के वाहन शहर के बाहर खड़े कराए जाएंगे। बीकापुर की ओर से आने वाले वाहनों के लिए सर सैयद स्कूल और वकीलों की रामलीला मैदान में पार्किंग कराई जाएगी। बांगरमऊ व सफीपुर की ओर से आने वाले वाहनों को चांदमारी व काशीराम कॉलोनी में रोका जाएगा। पूर्वा व मोरवा की ओर से आने वाले वाहनों को जीजीआईसी व नॉर्मल स्कूल में पार्क कराया जाएगा। सीएम के कार्यक्रम के दौरान भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित है। बांगरमऊ सफीपुर से आने वाले भारी वाहनों को चक्कलवंशी से मियागंज की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा। दूसरे जनपद से आने वाले भारी वाहनों को जनपद की सीमा पर ही कार्यक्रम समाप्त होने तक रोक कर रखा जाएगा। छोटे वाहनों पर भी रहेगा प्रतिबंध। यातायात प्रभारी ने बताया कि छोटे वाहनों को शहर के अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। बड़ा चौराहा की ओर से वाहनों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कब्बा खेड़ा से लोग नगर क्रॉसिंग व छोटा चौराहा मार्ग पर बैरिकेडिंग की जाएगी। सीएम के कार्यक्रम के दौरान शहर को जाम से बचाने के लिए ई रिक्शा के संचालन पर रोक लगा दी गई है। शहर में आज ई रिक्शा पूरी तरह से बंद रहेंगे। सीएम का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद ही ई रिक्शा को संचालन की अनुमति दी जाएगी। गैर जनपद के पुलिसकर्मी भी संभालेंगे जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए उन्नाव के साथ हरदोई, लखीमपुर खीरी, सीतापुर में तैनात राजपत्रित और अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इस कार्यक्रम में करीब 2000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जो चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगे।